नमस्ते, रजत नाम है मेरा। काफ़ी सारी ऊर्जा और फ्रेशनेस के साथ आपसे मिल रहा हूँ। इस फ्रेशनेस की वजह है कि बीते वीकेंड सैटरडे 13 अगस्त को हमारी डॉक्यूमेंट्री हद सरद रिलीज हुई। और जिसका खूब सारा स्वागत आप लोगों ने किया, खूब सारा प्यार हमें दिया। तो ये वीडियो हम बना रहे हैं इसी वजह से, ताकि आप लोगों ने जितना कमेंट्स, जितना प्यार, जितनी डांट, जितनी झिड़क, जैसे जैसे फीडबैक हमें दिए, हम इस वीडियो में आपसे शेयर कर सकें और बताएं कि हमें कैसा लगा। और जो सबसे पसंदीदा मेरा कमेंट रहा, मैं उससे शुरू करूँगा। उज्ज्वल उत्कर्ष ने यूट्यूब पर लिखा, भाई रूहानी दिखती नहीं, उनको देखना है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। मैं अपने पर्सनल इंस्टाग्राम पर तो लोगों को बताता रहा कि रूहानी कौन है, रूहानी कैसे दिखते हैं, कैसे नहीं दिखते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को क्लैरिटी नहीं है। मुझे लगता है कि इस वीडियो में रूहानी से ही शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं कि रूहानी कैसे दिखते हैं। जिन्होंने लिखा रूहानी दिखती नहीं है, तो आँखों में शायद उन लोगों के चमक आ जाए जब अब उनको अपनी मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन पर रूहानी दिखेंगे। तो हाय रूहानी, क्या हाल है आपका? जैसे फिल्मों में होता है ना कि पूरे ऐसे ढंटन है, पूरा म्यूजिक ऐसे बिल्ट होता है, शूशा हो जाना चाहिए। हाँ, और उसके बाद एक मिस्ट्री ऐसे अनफोल्ड होती है, मतलब पीछे वो ऐसे म्यूजिक चलते रहना चाहिए, आई थिंक, है ना। तो हेलो, नमस्कार। मुझे लग रहा है अभी भी कुछ एक लोग होंगे जो यकीन ही नहीं कर रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे हम जिस गलत फहमी में थे उसी में रहना चाहते हैं। आप मत हमारे आंखों पे से पट्टी उतारो, क्योंकि पिछले 1.5-2 साल से जब से हमने डॉक्यूमेंट्रीज बनानी शुरू करी, तो जैसे उसमें लिखा आता था फिल्म बाय रजत सेन एंड रूहानी या डायरेक्टेड बाय रजत सेन एंड रूहानी, तो हर किसी को लगता था यार इनकी जोड़ी बड़ी सही है, मतलब इनका तगड़ा कॉम्बो बैठा हुआ, इतनी डॉक्यूमेंट्रीज बना चुके हैं, साथ आते जाते हैं हर जगह, और तुम सही हो यार, काम भी साथ करते हो, ऐश भी साथ में करते हो। उज्ज्वल जी, आप अब एविडेंटली आपको पता लग गया कि रूहानी कैसी दिखती हैं। तो आप देखिए, उसके नीचे कमेंट है आम आदमी का, उन्होंने लिखा है, भाई मैं उनसे मिला था एक बार ललन टॉप के ऑफिस के बाहर, बहुत सुंदर दिखती हैं, इसलिए शायद रजत भाई उन्हें कैमरा पर नहीं लाते, मैं ले आया हूँ सुंदर दिखने वाली रूहानी को, आप लोग देखिए। और सुंदर तो खैर वो दिखते ही हैं। कई सारे लोगों ने लिखा कि फलाने फलाने मोमेंट पर उनको गूज़बम्प्स हो रहे हैं, और आपने मुझे पैरेलल्स ड्रॉ करे, और जो एक थीम थी जय जवान जय किसान, आप लोगों ने बहुत सही से पोर्ट्रे करी। थीम ये थी कि कैसे दो अलग अलग प्रोफेशन के लोग, दो अलग अलग सोच मानसिकता वाले लोग उन फेंसिंग की तरफ, उन गेट्स की तरफ, उन बॉर्डर की तरफ बढ़ते हैं, तो उनके दिमाग में क्या चलता है। आई थिंक जो जय जवान जय किसान बहुत एविडेंटली आपको गेट्स पर भी लिखा हुआ दिखता है, टू दैट वेरी लास्ट मोमेंट भी वो चीज़ शायद हमारे अंदर ऐसे नहीं क्लियर पिक्चर में थी कि अच्छा क्या ये जय जवान जय किसान की तरह पोर्ट्रे मतलब हो रहा है क्या। जिनसे हमने बात करी, जैसे खुशहाल जी हो गए या इधर इंदर जी हो गए, मनप्रीत जी हो गए, इनसे बात करी, हमारे लिए इनकी दुनिया थी वो, कि ये सिर्फ देश के जवान नहीं है, इनकी अपनी भी एक यू नो स्ट्रगल रही है यहाँ पे पहुँचने की। अजीत भारद्वाज जी कहते हैं, द लेवल ऑफ डायरेक्शन एंड सिनेमेटोग्राफी, आई एम हाइपरबोलिजिंग व्हेन आई से दैट इट्स रियली अमंग द 25 मोस्ट सिनेमेटोग्राफिकल कॉन्शियस पीसेज मेड इन इंडिया। ओके, हमारे लिए बहुत ही बड़ा, बड़ा कॉम्प्लीमेंट है ये। वेदू जी कहते हैं, 3955 पर फूल की तरह खिल जाता है, इज द हार्ट टचिंग मोमेंट, वो हमारे लिए भी था। हालांकि उससे पहले हमने एक बाइट लगाई थी, वो बाइट सम अप नहीं कर पा रही थी, फिर हमने बाइट चेंज करी, ये पब्लिश होने से 2 दिन पहले हम वो बाइट चेंज कर रहे थे और हमने वो लगाई, हमें लगा हाँ यार ये मोमेंट वो कंप्लीट कर दे रही है। तो इंदर जी तो अपने आप में एक कैरेक्टर थे ही। रजत, मैं एक कमेंट लेना चाहूँगा अमन सरोहा जी का, वो कहते हैं कि आई एम वॉचिंग इन मिडनाइट, मैं इसे नींदों में देखने लगा था बट अब मेरी नींद पूरी तरह गायब है, आई एम प्राउड एंड ब्लेस्ड that I'm an Indian and also I'm a grandson of an ex-army man and I'm a son of a farmer, Jai Jawan Jai Kishan, both stories was running simultaneously, thank you Leland for this initiative. मुझे पहली बारी खुशी हो रही है किसी की नींद उड़ाने में, किसी की नींद उड़ी है डॉक्यूमेंट्री की वजह से, तो अच्छा लगा। अच्छा, एक इनका एक और मैंने कमेंट पढ़ा था, उसमें भी यही वो कह रहे थे कि मैं रेस्टोरेंट में काम करता हूँ और रात के 2 बज रहे हैं और बहुत थका हुआ हूँ, बहुत नींद में हूँ, लेकिन स्टिल मतलब आपकी फिल्म आ चुकी है, मुझे पता लग गया, तो मैं सारे काम छोड़ के मतलब मेरी नींद उड़ चुकी है और मैं देख रहा हूँ वो। आमिर रायना लिख रहे हैं, वॉचिंग फ्रॉम कश्मीर, अ साइलेंट फैन ऑफ द ललन टॉप।
आमिर, आप हमारी डॉक्यूमेंट्री का शीट ज़रूर देखिएगा। मेरी एक दोस्त हैं, यूएस में रहती है, मेरी आज सुबह ही उनसे बात हो रही थी, तो वो उनका ये मुझे मैसेज आया कि तुम्हें बच्चों से बहुत लगाव है क्या? मैंने कहा हाँ है, तो लेकिन तुम्हें कैसे पता? तो कहते मैंने कशीर देखी। तो मुझे आज तक ये ऑब्जर्वेशन किसी की नहीं थी, उनका आया तो मुझे अच्छा लगा। तो कशीर दिल के बेहद करीब है। आप वो देखिएगा डॉक्यूमेंट्री और बताइएगा आपको कैसी लगी। शुरू तो हम करते हैं आउट ऑफ आर ओन यू नो लालच की हमें फिल्म बनानी है यार, मुझे कुछ कहना है, मुझे ये सब्जेक्ट हमें सामने लाना है। मोर और लेस आपका अपनी जद्दोजहद होती है उसके साथ। पर जब आप फिर ऐसे कमेंट्स पढ़ते हो, ऐसे लोगों का रिस्पांस पढ़ते हो, आपको लगता है कि ये उनको इतना टच करके गई है, तो यू फील समहाउ रिस्पॉन्सिबल कि आपका जो मकसद होता है वो बहुत पर्सनल से फिर वो बहुत फैल जाता, मतलब वो वाइड हो जाता है फिर वो। मुझे एक और चीज़ लगती है कि जब डॉक्यूमेंट्री रिलीज हो जाती है ना हमारे, पता नहीं, मैं बहुत ज़्यादा फ्री महसूस करता हूँ। ऐसा नहीं होता कि काम की वजह से पहले बर्डन होता है, पर वो लगता है कि जो चीज़ थी पहले वो हम 2-3-4 लोगों की ही थी जिस पर काम चल रहा था कंटिन्यूसली, लेकिन जैसे ही वो रिलीज होती है तो पता नहीं बड़ी पिक्टोरियल सी इमेज मेरे दिमाग में ऐसी आती है कि पिंजरे में से पक्षी उड़ रहे हैं, और ड्राइंग वाली ये इमेज मेरे दिमाग में आती है, पता नहीं कि मुझे लगता है कि अब ये इसको एक्सपोजर पूरी दुनिया का मिलने वाला है और अभी अपना सफ़र तय करेगी, मुझे बहुत ऐसी फीलिंग आती है। आयुष कुमार ने स्पेशल मेंशन करा है एक टाइम कोड, व्हाट इज दिस बिहेवियर सर? आप ठीक हो सर? उसके बाद किसी को लग रहा होगा कि स्क्रिप्टेड होगा, पर मैं उसका साक्षी हूँ कि वो स्क्रिप्टेड बिल्कुल नहीं है, वो बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू है, बहुत ही मतलब इन द मोमेंट वाली चीज़ हुई है। हमें नहीं पता था कि क्या हम शूट कर रहे हैं क्या नहीं, मतलब वो बस एक होता ना कि आप गांव में पहुँच गए हैं कुछ शहरी बच्चे और अब आपको वहाँ की चीज़ें दिख रही हैं कि अरे बैलगाड़ी भी है यहाँ पे, अरे कितने प्यारे लोग हैं यहाँ पे, तो आप पूरा उस मतलब वो आपके लिए कहीं ना कहीं एक वंडरलैंड हो जाता, आप सारी चीज़ों को वैसे घूमते फिरते मतलब बच्चे बन जाते हो। रजत और रूहानी भाई को इतनी तरक्की मिले कि ये दूसरी तरफ जाकर भी डॉक्यूमेंट्री बना सकें। हमारे इधर बहुत फेमस सिंगर हैं सतेंद्र सरताज, उन्होंने गाना गाया और लिखा है, एक दिली तमन्ना शायर दी सरहद तो पार भी जाइए, मतलब शायर की दिली तमन्ना है कि वो सरहद के पार जा सके। हम भी जाना चाहते हैं काम के सिलसिले में और ये देखना चाहते हैं कि कैसे वो एक लैंड हुआ करती है और बिल्कुल अलग हुई। बेस्ट कमेंट कौन सा लगा आपको? यार मेरे लिए ना बेस्ट कमेंट और बेस्ट मोमेंट किसी भी फिल्म का तब होता है कि जिसके लिए बनाई है वो उन तक पहुंच जाए और उन तक पहुंचने के बाद उनका क्या कमेंट होता है। तो मैं इंस्टाग्राम चला रहा था, मैंने एक रील डाली थी इसकी प्रमोशन के लिए, टीज़र थी और अच्छी चल रही थी वो, तो कई सारे कमेंट्स और नोटिफिकेशन आ रहे थे। इस बीच एक कमेंट आया मेरे पास और उसका लिखा कि सो प्राउड ऑफ हिम, ही इज माय फादर। तो इंदर जी की रील थी और उनके बेटे का ये कमेंट था। मैं इतना खुश हुआ, मतलब कि मन ऐसे चला कि मैं इनको फ़ोन कर लूँ, अभी फ़ोन करके इनसे एक बार पूछूं कि आपने देखी डॉक्यूमेंट्री, आपको कैसी लगी, क्योंकि इंदर जी तो देख चुके थे, उनके बेटे को कैसे लगी जो खुद यूपी पुलिस में है। केविन जी कहते प्योर सिनेमा द बेस्ट प्रोडक्शन अमंग द लंदन टॉप डॉक्यूमेंट्रीज है। रूहानी आपको लगता है कि ये बेस्ट प्रोडक्शन? प्रोडक्शन के लेवल पे जो प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स में अगर कह सकूं कि हमने इसके ज़रिए एक्सप्लोर करे नए, तो हाँ। ललन टॉप टीम काइंडली गिव गुड रेव टू रजत एंड टीम। ओके दे दीजिएगा। देखिए आशीष कुमार त्रिपाठी कह रहे हैं बिकॉज दे आर जेम्स ऑफ योर फॉर्म, इससे पहले कि कोई और रेस देकर इनको ले जाए डायरेक्शन। जेम हो तो आपको पगार की क्या ज़रूरत है, तो बोल दिया बंदे ने जेम हो आप। मुझे जेम्स खाने का कोई शौक नहीं था जो चाहिए वो कंपनी को पता है। इट विल बी रियली यूजफुल फॉर विजुअली डिसेबल्ड व्यूअर्स इफ द ललन टॉप कैन वर्क टुवर्ड्स कीपिंग द ऑप्शन ऑफ ऑडियो डिस्क्रिप्शन इन इट्स डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, सिंस साउंड पे हर कोई हमें शाबाशी देता है कि आपकी फिल्म की जो साउंड है, जो म्यूजिक होता है, वो बहुत ही मूविंग होता है, बहुत ही इम्पैक्टफुल होता है। प्रदीप जी कह रहे हैं कि मेरा मन कर रहा है फिल्म बनाने वालों को ऑस्कर दे दूं, उसका सफ़र लंबा है लेकिन हम कोशिश निरंतर जारी रखेंगे। हम लोग काफ़ी शुक्रगुजार हैं और एप्रिशिएटिव भी है कि आप कैसे ललन टॉप फिल्म्स डॉक्यूमेंट्रीज में पार्टिसिपेट करते हैं और
जो हम 2-3-4 लोग मिलकर वो डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म्स बनाते हैं, आप कैसे उसके हिस्सेदार बन जाते हैं अपनी छोटी छोटी इनपुट्स देकर, और हर अपनी संभव जो मदद आप कर सकते हैं आप हमारे लिए कर रहे हैं, वो आइडियाज़ के स्तर पर कर रहे हैं, वो कोई ग्राउंड सपोर्ट के स्तर पर कर रहे हैं, तो उसके लिए बेहद शुक्रिया आपका। और ये डॉक्यूमेंट्री प्राइमरली रजत और रूहानी ने बनाई है, लेकिन इसके अलावा पूरे ग्राउंड पर हमें सपोर्ट दिया अमितेश कुमार ने, जो इस वक्त भी कैमरा के पीछे खड़े हैं, और इसके अलावा ग्राफिक्स में सचिन और तरुण ने हमारी काफ़ी मदद करी, और ग्राउंड सपोर्ट के लिए हमारे पास जर्नैल सिंह जी भी थे। बाकी BSF और श्वेता सिंह का तो धन्यवाद है ही, जिनकी वजह से ये डॉक्यूमेंट्री बन सकी। शुक्रिया।